किसान साथियों नमस्कार, मैं हूं रामगोपाल धाकड़। आपका बहुत बहुत स्वागत है जाको किसान यूट्यूब चैनल पर। किसान साथियों आज सोमवार 15 नवंबर 2021 है और आज किसान साथियों रतलाम कृषि उपज मंडी में प्याज के वाहनों की संख्या कितनी है, क्योंकि किसान साथियों आज अवकाश है रतलाम कृषि उपज मंडी में और किसान साथियों सोमवार के दिन अवकाश है और मंगलवार के दिन मंडी चालू होगी और मंगलवार को बिकने के लिए किसान साथियों सोमवार के दिन ही प्याज के वाहनों की जो की संख्या है किसान साथियों वो बहुत ज़्यादा है रतलाम कृषि उपज मंडी में और नीलामी के लिए आए हुए वाहनों की संख्या आप देख रहे होंगे। मेरे पीछे जो मिट्टी परीक्षण की प्रयोगशाला है, इस प्रयोगशाला के जो बाजू में किसान साथियों मैदान है, उस मैदान में किसान साथियों ये प्याज के वाहन लगे हुए हैं रतलाम कृषि उपज मंडी में और आप देख रहे होंगे किसान साथियों की आज आवके बहुत ज़्यादा हैं। पीछे देख रहे होंगे वाहनों की संख्या बहुत ज़्यादा दिख रही है। तो हाँ किसान साथियों आज प्याज के वाहनों की संख्या बहुत ज़्यादा है रतलाम कृषि उपज मंडी में और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरा नज़ारा बताने की कोशिश करूँगा। तो किसान साथियों देख लेते हैं अब पूरी मंडी का ये नज़ारा रतलाम कृषि मंडी का, जो आज सोमवार के दिन किसान साथियों लगभग 1 बजे है और 1 बजे तक प्याज के वाहनों की संख्या कितनी है इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने की पूरी कोशिश करूँगा। तो देख लेते हैं सबसे पहले पूरा दृश्य रतलाम कृषि उपज मंडी का। किसान साथियों आप देख रहे हैं ये रतलाम कृषि उपज मंडी का जो प्याज के वाहनों का नीलामी स्थल है, जो मिट्टी परीक्षण की प्रयोगशाला है और उसके जो बाजू में मैदान है, उस मैदान में किसान साथियों ये प्याज के वाहन रतलाम कृषि उपज मंडी में आज सोमवार के दिन ही मंगलवार की नीलामी के लिए प्रवेश कर चुके हैं और इनकी मार्किंग भी हो गई है और कितनी मार्किंग हुई है, कितनी संख्या हुई है, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरी स्थिति बताने की कोशिश करूँगा। देख सकते हैं किसान साथियों मैंने जूम करके आपको बताया है रतलाम कृषि उपज मंडी में प्याज के वाहनों का ये नज़ारा। किसान साथियों ये दृश्य आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज रतलाम कृषि उपज मंडी में प्याज के वाहनों की संख्या कितनी है। बहुत ज़्यादा आज संख्या किसान साथियों अभी से हो गई है रतलाम कृषि उपज मंडी में और किधर मार्किंग का जो एंड है अभी रतलाम कृषि उपज मंडी में, मैं वहाँ तक भी आपको ले चलूँगा। देख सकते हैं पूरा दृश्य रतलाम कृषि उपज मंडी में प्याज के वाहनों का। किसान साथियों देख सकते हैं ये प्याज के वाहन हैं और कुछ किसान साथी यहाँ पर खड़े हैं, उनसे भी आपको परिचय करवा दूं कि रतलाम कृषि उपज मंडी में प्याज लेके आए हैं। और भैया आप कहाँ से? कालूखेड़ी से। आपका शुभ नाम? रविंद्र पाटीदार। रविंद्र जी पाटीदार कालूखेड़ी से हैं। भैया आप कहाँ से? मैं महतपुर के पास में गाँव है, रोहिडा। अच्छा अच्छा, तो कब निकले थे वहाँ से? कल आज सुबह निकला था 9 बजे। अच्छा अच्छा, कितने नंबर पर है आपकी ट्राली? 450 नंबर है। 450 नंबर पर है आपकी ट्राली। तो किसान साथियों महतपुर के बाद से आए हमारे किसान साथी। भैया आप कहाँ से? मैं भी कालूखेड़ी से। अच्छा अच्छा, आपका शुभ नाम? मनोहर पाटीदार। मनोहर जी पाटीदार। भैया आप कहाँ से? मड़ावदा से। अच्छा, आपका शुभ नाम? विशाल। विशाल जी। भैया आप कहाँ से? मड़ावदा से। अच्छा, प्याज लेके आए? प्याज लेके। अच्छा, भैया आप कहाँ से? मड़ावदा। अच्छा, आपका शुभ नाम? प्रदीप पाटीदार। प्रदीप जी पाटीदार मड़ावदा से हैं, बहुत दूर दूर से यहाँ रतलाम कृषि उपज मंडी में प्याज लेके आते हैं हमारे किसान साथी। और किसान साथियों अब उधर ले चलता हूँ जहाँ पर मार्किंग हो रही है और वहाँ पर पूरी स्थिति बताता हूँ। किसान साथियों आप देख रहे हैं ये मंडी गेट के सामने किसान साथियों और प्याज के वाहन आप देख रहे हैं लगातार आते जा रहे हैं आज रतलाम कृषि मंडी में। वो किसान साथियों तीव्र गति है संख्या बढ़ने की और ये मंडी गेट के सामने वाली लाइन है और देख सकते हैं किसान साथियों प्याज के वाहनों की संख्या इसमें और इस में किसान साथी में आपको बताऊंगा कि अभी कितनी मार्किंग हो चुकी है रतलाम कृषि उपज मंडी में। और ये किसान साथियों देख सकते हैं ये 475 वाहन है और इसके बाद में किसान साथियों ये 476 वाहन है रतलाम कृषि उपज मंडी में और ये अभी एक लगा वाहन किसान साथी। आपका है भैया? हाँ। कहाँ से आए अभी? रत्तागढ़ खेड़ा से। अच्छा, आपका शुभ नाम? घनश्याम सिंघवी। तो किसान साथियों इनका 477 वाला नंबर है रतलाम कृषि उपज मंडी में आए हैं प्याज लेके और अभी एक फिर ट्राली लग रही है ये 478 वाली, इस पर नंबर डलेगा अभी। तो किसान साथियों 478 वाहन रतलाम कृषि उपज मंडी में प्रवेश कर चुके हैं नीलामी के लिए
और अभी किसान साथियों और लगातार वाहन बहुत तीव्र गति से रतलाम कृषि उपज मंडी में आ रहे हैं। संख्या बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है, देख सकते हैं आप। ये अभी मार्किंग हो रही है इस वाहन की और ये आपके सामने 478वां नंबर किसान साथियों रतलाम कृषि उपज मंडी में डल गया है। आप देख सकते हैं ये आखिरी नंबर अभी 1 बजे तक का किसान साथियों रतलाम कृषि उपज मंडी में आए हुए ये प्याज के वाहन नीलामी के लिए और इनकी मंगलवार को नीलामी होगी किसान साथियों। तो किसान साथियों इस वीडियो के माध्यम से आपने देखा कि रतलाम कृषि उपज मंडी में पूरे वाहनों का नज़ारा कैसा है और आवकें बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं आज रतलाम कृषि उपज मंडी में। और आप अभी देख रहे हैं ये ट्राली एक फिर आ गई है, यानी कि मतलब आवकें जो है किसान साथियों उनकी संख्या जो है तीव्र गति से बढ़ रही है रतलाम कृषि उपज मंडी में आज सोमवार के दिन। और ये 1 बजे तक की स्थिति है किसान साथियों, और कल मंगलवार को नीलामी चालू होगी और उसका भी वीडियो किसान साथियों आप तक मैं पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और ये भी बता दूं कि रतलाम कृषि उपज मंडी में सोयाबीन के वाहनों की संख्या किसान साथियों 80 के लगभग पहुंच गई है और किसान साथियों इनकी भी नीलामी मंगलवार के दिन होगी। और किसान साथियों ये पूरे वीडियो में आपने पूरी जानकारी देखी कि रतलाम कृषि उपज मंडी में कितने वाहन आए हैं, पूरा दृश्य भी देखा है और आखिरी जो वाहन लगा है उसकी भी मैंने आपको मार्किंग की जो संख्या है वो बताई है इस वीडियो के माध्यम से। तो किसान साथियों अब यह वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ और मिलता हूँ किसान साथियों आपको मैं कल सुबह की नीलामी में किसान साथियों भाव वाले वीडियो में। तो किसान साथियों तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, धन्यवाद।